गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, उसके लिए हमने एक शीट पढ़ी थी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट के लिए। तो उससे रिलेटेड हम एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो मैं आपको एक बार करके बताती हूँ। देखिए, द फॉलोइंग इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का निर्माणी तथा लाभहानि खाता निम्नलिखित है। ठीक है, आपको एक प्रॉफिट मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। इसको आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि इससे हमें इंफॉर्मेशन लेके इस कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए, दे रखा हमको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, फिर दे रखा आपको परचेज ऑफ मटेरियल। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे मटेरियल कंज्यूम्पशन की कैलकुलेशन में काम आएंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में। फिर है डायरेक्ट वेजेस, फिर है पावर, फिर है कैरेज ऑन मटेरियल, फिर है रॉयल्टी, फिर कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिज़ाइंस। देखो, रॉयल्टी और कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिज़ाइन, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, ऑयल एंड ग्रीस, फिर इसके बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट, फिर बाय साइड पे देखिए सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये चीज़ें दे रखी है। फिर नीचे देखिए, रेंट एंड रेट्स ऑफिस का दे रखा है, फैक्ट्री का दे रखा है। ठीक है, तो ऑफिस वाला ऑफिस में चला जाएगा, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में चला जाएगा। फिर टेलीफोन दे रखे हैं, 60% ऑफिस के हैं और 40% सेल्स डिपार्टमेंट के हैं, टोटल 3000 दे रखे हैं। फिर एडवर्टाइजमेंट दे रखा है आपको 6000, फिर कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल्स दे रखा है, फिर रेंट ऑफ वेयर हाउस दे रखा है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है आपको ऑफिस की और फैक्ट्री की, फिर बैड डेट्स रिजर्व दे रखे हैं। बैड डेट्स रिजर्व देखिए कॉस्ट में नहीं आता है, उस समय मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फिर डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन्स है, फिर इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स भी अपने कॉस्ट की कैलकुलेशन में नहीं आता है, फिर स्पेशल बोनस ये भी नहीं आता है, फिर है सैलरीज, सैलरीज 25% फैक्ट्री की है, 50% ऑफिस की है और 25% सेल्स डिपार्टमेंट की है। ठीक है, फिर है डोनेशन, डोनेशन भी कॉस्ट की कैलकुलेशन में नहीं आता है। ठीक है, फिर है एस्टैब्लिशमेंट 50% ऑफिस के एंड 50% सेल्स डिपार्टमेंट के। फिर है डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर ऑफिस का और फैक्ट्री का। ठीक है, फिर इस तरफ देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, ट्रांसफ़र फीस दे रखी है, सेल ऑफ स्क्रैप दे रखा है। ठीक है, ये फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने के बाद लेस करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव दे रखा है। ठीक है, फिर नीचे देखिए आपसे क्या पूछा गया है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अंडर द डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। लागत का विभिन्न वर्गों में विभाजन दर्शाते हुए उपयुक्त सूचनाओं से एक विवरण पत्र बनाइए। ठीक है, हमें कॉस्ट शीट बनानी है, कॉस्ट स्टेटमेंट, जबकि हमने अभी पढ़ा हुआ है। तो अभी हम इस इन इंफॉर्मेशन से क्या करते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। देखिए, कॉस्ट शीट के लिए आपको एक स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, वो फॉर्मेट आपके बनेगा कुछ इस टाइप से। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऊपर हेडिंग हो जाएगी, फिर आप एक इस तरह से स्टेटमेंट बनाएंगे। आपको इसको स्टार्टिंग में छोटा ही बनाना है, बाद में रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक फॉर्मेट आपको बनाना है। यहाँ पे आउटपुट की डिटेल होती है, लेकिन क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ये लिखते हैं हम सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अब हमारे क्वेश्चन में मटेरियल कंजप्शन निकालने की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेजेस ऑफ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है जिससे हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है, एक बार ध्यान से देखिए। देखिए,
ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हमें लेना है, ठीक है, परचेज ऑफ मटेरियल हमें लेना है। फिर इसके बाद में ये कैरेज ऑन मटेरियल, ये भी मटेरियल से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, इसको भी लेना है, ठीक है। और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लेना है, ठीक है। तो एक एक करके हम लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 5000, परचेज ऑफ मटेरियल 1,50,000, ठीक है, और कैरेज ऑन मटेरियल 2000, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 21,500, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन मैं ले रही हूँ। सबसे पहले मैं लिखती हूँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, वो मेरा कितना दे रखा है 5000, ठीक है। आपको एक बार इसको इनर में लिखना है। फिर इसके अंदर आपको ऐड करना है परचेज ऑफ मटेरियल। परचेज ऑफ मटेरियल हमने किया था 1,50,000, ठीक है। फिर इसके अलावा हमें एक कैरेज भी है मटेरियल के ऊपर जो हमने खर्चा किया है, कैरेज ऑन मटेरियल, वो भी हमको लेना है। तो ये कैरेज था हमारे 2000 का। फिर इन तीनों की टोटल हमको करनी है, ठीक है। टोटल आपके हो जाएगी 1,00,000, आप इसको कैलसी पे कर सकते हो, 1,57,000, ठीक है। फिर इसमें से हमें लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हमारे क्वेश्चन में हमें दे रखा है 21,500। फिर ये आपके डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आएगा आपके 1,35,500, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम लेते हैं वो है डायरेक्ट वेजेस या फिर लेबर, वो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। देखिए डायरेक्ट वेजेस हमें क्वेश्चन में दे रखी है, डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट वेजेस दे रखी है आपको कितनी, 1,20,000। तो हम ये 1,20,000 ले लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, इसके बाद जो हम थर्ड चीज़ लेते हैं वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें दे रखी हैं। देखिए कौन कौन सी दे रखी है, एक बार वापस मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसके इस साइड में जो चीज़ें दे रखी है ना, वो सारी आपके प्राइम कॉस्ट से ऊपर ही आएगी, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के। जैसे कि ये है कॉस्ट ऑफ स्पेशल, सॉरी, ऑयल एंड ग्रीस, और ये पावर, ये दोनों फैक्ट्री के हैं। फिर देखिए रॉयल्टी, रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिज़ाइन, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो ये दो चीज़ें डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगी। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं रॉयल्टी, रॉयल्टी आपके क्वेश्चन में दे रखी है 24,000। फिर कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिज़ाइन, वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 5,000। ये दोनों ही आपके क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा 29,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर इन तीनों की हम क्या कर देंगे, देखिए मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिए। फिर देखिए इन तीनों के हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। वो टोटल हमारे क्या कहलाएगी, प्राइम कॉस्ट कहलाएगी, वो होगी आपके 2,84,500, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे प्राइम कॉस्ट, जिसको मूल लागत कहते हैं हिंदी में, ये, ठीक है। अभी हमारे शीट को और आगे कंटिन्यू करेंगे हम। अब देखिए, अब इसके अंदर हमको क्या करना है बताइए फटाफट, ऐड करना है, क्या ऐड करना है, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। अब आपको क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड क्या करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। तो अभी हम एक एक करके ढूंढते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम
हमारे क्वेश्चन के ऊपर वाले ब्लॉक की बात करें, ठीक है, तो ऊपर वाले ब्लॉक में पावर है 15,000, फिर इसके बाद ऑयल एंड ग्रीस, मैंने आपको फैक्ट्री ओवरहेड लिखवाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था ये पावर है, ये इनडायरेक्ट एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 15,000, ये आ जाएगा, फिर ऑयल एंड ग्रीस 500, ये आ जाएगा फैक्ट्री में, फिर रेंट एंड रेट जो फैक्ट्री का है वो आ जाएगा फैक्ट्री में, टेलीफोन फैक्ट्री का है ही नहीं, एडवर्टाइजमेंट फैक्ट्री में नहीं आता, वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल्स ये भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट ऑफ वेयरहाउस ये भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा आपके फैक्ट्री का, ठीक है, बैड डेट्स रिजर्व किसी में भी नहीं आएगा क्योंकि ये कॉस्ट की कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता है, फिर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये फैक्ट्री के अंदर आएगा क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी कहाँ होती है, फैक्ट्री के अंदर होती है, ठीक है, फिर देखिए इनकम टैक्स कॉस्ट के अंदर आएगा ही नहीं, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, ठीक है, स्पेशल बोनस भी कॉस्ट में नहीं आएगा, ये दोनों चीज़ें कॉस्ट में नहीं ली जाती है, फिर सैलरीज है 25% फैक्ट्री की, तो जो फैक्ट्री की है वो फैक्ट्री में आ जाएगी, तो 25,000 का 25% करके लेना है, डोनेशन कॉस्ट की कैलकुलेशन में नहीं आएगा, एस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्री का है ही नहीं, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर फैक्ट्री का है 2,000, ठीक है, और एक ये सेल ऑफ स्क्रैप हमें माइनस करना है, ठीक है, ये जो सेल ऑफ स्क्रैप हमें दे रखा है ना इसको फैक्ट्री ओवरहेड में से माइनस करना है, तो अभी हम एक एक करके सब लिखते हैं, एक एक सारे एक्सपेंसेस, देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं ऑयल एंड ग्रीस या पावर, जो भी ऊपर हमने सबसे फर्स्ट देखा था पावर हमारा था 15,000 का, इसके बाद है ऑयल एंड ग्रीस, ऑयल एंड ग्रीस हमें दे रखा 500, फिर हम लेंगे रेंट एंड रेट्स जो फैक्ट्री के हमें दे रखे हैं कितने 7,000, ठीक है, फिर देखिए फिर हम ले लेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हमें फैक्ट्री की दे रखी है 4,500, फिर हम लेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी वो आपके दे रखा है क्वेश्चन में 6,000, ठीक है, फिर सैलरीज आपको दे रखी है 6,250 फैक्ट्री की, ठीक है, फिर आपके दे रखा है डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर वो आपको दे रखा है 2,000, ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे वो फैक्ट्री ओवरहेड है, तो वो हमने सब ले लिया है, अब इनकी टोटल हम कर देते, इनकी टोटल होगी 41,250 इनकी टोटल होगी, फिर हम इसको ऊपर वाली टोटल के साथ में क्या कर देंगे, ये जो ऊपर वाली टोटल है इसके साथ में इसको ऐड कर देंगे, तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे आ जाएगा 3,25,750, ठीक है, ये हमारे आ जाएगा, फिर आपको इसमें से क्या करना है, लेस करना आपको सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप हमें क्वेश्चन में दे रखा था, कितना दे रखा था हमें 750 का दे रखा था, ठीक है, तो 750 का हमने माइनस कर दिया इसमें से, फिर देखिए अब आपकी क्या आएगी, अब आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, मेथड आपको पता चल गया क्या करना है,
ऊपर प्राइम कॉस्ट तक निकालना है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों चीज़ों को लेकर के हमारी क्या निकल जाएगी, प्राइम कॉस्ट। फिर हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड सारे लिख दिए हमने, ठीक है, इसको ऊपर वाले टोटल के साथ में ऐड कर दिया, तो हमारी टोटल आ गई थी 325,750। ठीक है, अगर ये सेल ऑफ स्क्रैप यहाँ पे नहीं होता तो यही हमारी क्या बन जाती, फैक्ट्री कॉस्ट बन जाती। लेकिन क्योंकि सेल ऑफ स्क्रैप दे रखा है, सेल ऑफ स्क्रैप क्या होता है, जो अपशिष्ट बचा हुआ होता है, जो कचरा टाइप में जो स्क्रैप बचा हुआ होता है, उसको बेचने से कुछ मिला है, 750 रुपीज़ मिले हैं, ठीक है, तो वो 750 रुपीज़ हमने इसमें से माइनस कर दिए, क्योंकि ये सारे खर्चे हैं जबकि ये क्या है, एक तरह से इनकम है, तो हमने इसमें से माइनस कर दिए। अब हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, वो कितनी आएगी, 325,000। ठीक है, क्लियर हो रहा है मैटर। अब आपको फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड क्या करने हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, तो अभी हम अपनी शीट को कंटिन्यू करते हैं, शीट अभी हम वापस एक बार क्रिएट कर देते हैं थोड़ी सी और आगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम ऐड करेंगे उस टोटल में, ऐड करेंगे हम क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशंस ओवरहेड। ठीक है, वो अभी हम इस शीट के अंदर ऐड करेंगे। अब आपको क्वेश्चन में से एक एक करके ऑफिस के क्या निकालने हैं, ओवरहेड निकालने हैं। वो जो हमारी प्रीवियस टोटल थी, एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 325,000 थी। ठीक है, ताकि हमें पेपर पलटना नहीं पड़े, क्यों आगे हम इसमें ऐड करते जाएंगे। अब देखिए, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम इसमें से सर्च करते हैं। सबसे पहले देखिए, ऊपर तो कुछ भी नहीं है ऑफिस से रिलेटेड, हम डायरेक्ट यहाँ नीचे देखते हैं। रेंट एंड रेट्स में ऑफिस का दे रखा है 5,000। ठीक है, टेलीफोन में 60% ऑफिस का है, तो 3,000 का 60% ऑफिस हो जाएगा। ठीक है, फिर एडवर्टाइजमेंट आता नहीं है ऑफिस में, ये भी ऑफिस में नहीं आता, ये भी ऑफिस में नहीं आता। इलेक्ट्रिसिटी आती है ऑफिस में, ठीक है, वो ले लेंगे 3,000। फिर डेप्रिसिएशन ये है नहीं, ये फैक्ट्री में हो चुका है। डिलीवरी वैंस वाला सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। सैलरीज देखिए, 50% है ऑफिस की, ठीक है, तो हम 25,000 का 50% करेंगे, फिर वो आपके आ जाएगी। फिर डोनेशन आता नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट है 50% ऑफिस का, और डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर है ऑफिस का। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले रेंट एंड रेट से लिखते हैं, देखिए रेंट एंड रेट्स ऑफिस के आपको दे रखे हैं 5,000। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आपको दे रखी है टेलीफोन, टेलीफोन एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 1,800। ठीक है, फिर देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं ऑफिस के 3,000, तो हम लिख लेते हैं 3,000। ठीक है, फिर देखिए, फिर आपको नेक्स्ट चीज़ दे रखी है एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। ठीक है, एक मिनट रुकिए, इससे ऊपर है आपके सैलरीज, तो हम सैलरीज ले लेते हैं। सैलरीज देखिए आपको 50% ऑफिस की है, तो 25,000 का 50% करना होगा हमें, 50%, तो 50% करोगे तो आपके कितना आ जाएगा, 12,500। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या है आपके, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस मतलब स्थापना व्यय, वो आपको दे रखे हैं ऑफिस के 5,000। वैसे 50% ऑफिस का दे रखा है, टोटल 10,000 है, तो 10,000 का 50% हम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5,000। ठीक है, फिर देखिए डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आपको डायरेक्टली दे रखा है ऑफिस का,
2500, ठीक है। फिर हम इसकी क्या कर देंगे, सारे कंप्लीट हो चुके हैं, फिर हम इसकी क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम इसकी टोटल करेंगे तो हमारे टोटल आएगी 29,800। फिर इसको ऊपर वाली टोटल के साथ में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारी टोटल आएगी 354,800, ठीक है। अब इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारी शीट जैसे फॉर्मेट में चलती है वैसे फॉर्मेट में ही चलेगी, इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपको क्वेश्चन में वापस जाके सर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके सर्च करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में टेलीफोन में 40% सेल्स डिपार्टमेंट का है, तो टेलीफोन का चार्जेस कितना है, 3000 का 40%। तो हम लेते हैं टेलीफोन, थ्री थाउजेंड का 40%। तो आप 3000 का 40% करोगे तो कितना आएगा, 1200 आ जाएगा आपके, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, टेलीफोन के बाद में हम ले लेंगे रेंट ऑफ वेयर हाउस, ठीक है। अब सारे हमें क्या करना है, ऑफिस जो भी बचे हैं वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, और बाकी ऐसे बचे हैं जो कि कॉस्ट में नहीं आते हैं। तो जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं वो हम ले लेते हैं रेंट ऑफ वेयर हाउस, रेंट ऑफ वेयर हाउस आपको दे रखा है 6500, ठीक है। फिर है डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैंस, तो ये आपको दे रखा है 2000। फिर हम ले लेंगे सैलरीज, सैलरीज देखिए टोटल थी 25,000, 25,000 में से 25% जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट की है, तो कितनी हो जाएगी हमारे, देखिए इसका 25% हम करेंगे तो ये आ जाएगी 1500, सॉरी 1500 नहीं आएगी, 6250 आएगी, 6250, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट जो आएगी हमारे वो आएगा एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। सेलिंग के हमको दे रखे हैं टोटल 10,000 है, 10,000 का 50% सेल्स का है, तो वो हम ले लेंगे 5,000, ये आ जाएगा आपके 5,000। फिर देखिए नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट वो आपको दे रखा है 6,000। फिर है कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल्स, कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल्स हैं आपके 1500। तो ये वो सारे ओवरहेड थे जो कि कौन किसके थे, सेल्स के थे। तो हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के थे वो हमने सारे ले लिए। फिर अब हम इसकी क्या करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल आएगी 28,450, ठीक है। फिर इसको हम ऊपर वाले टोटल के साथ में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिसीव होगा वो होगा 3,83,250, ठीक है, ये हमें रिसीव होगा। अब हम इसे क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, अब इसके बाद हम इसको क्या कहेंगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने ऐड कर दिए, तो ये हमारे फाइनल हो जाएगी टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारे टोटल कॉस्ट हो जाएगी, और यहीं तक हमें ये शीट प्रिपेयर करनी थी, यहीं तक इन्होंने प्रिपेयर करने के लिए कहा था, तो हमने इसको प्रिपेयर कर दिया, ठीक है। हमने एक एक टर्म निकाल दिए, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट, फिर हमने निकाली फैक्ट्री कॉस्ट, फिर हमने निकाली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और फिर हमने निकाली टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये सारे हमने पूरी टोटल ओवरऑल शीट
कंप्लीट कर दी है। बाकी इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।